नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। अगले आधे घंटे में सीधे न्यूज रूम से आपको दिखाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे कोटा की, जहां गर्मी बढ़ने के साथ साथ जल संकट भी गहराता जा रहा है। कोटा के कई इलाके पानी के टैंकर के भरोसे चल रहे हैं, तो कई इलाकों में लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। वहीं बढ़ती गर्मी में लोग बेहाल हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए टैंकर के पास लंबी लंबी कतारें हैं, हैंडपंप पर मारामारी, पानी के लिए हाहाकार की ये तस्वीर कोटा के सुल्तानपुर और सांगोद की है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ वानगी भर है, कमोबेश यही हाल पूरे इलाके का है। यहाँ पानी के लिए मशक्कत और माथा पच्ची करनी पड़ रही है। ना वहाँ तो माँ तो मैं ढूंढा बन जाओ, न तो सर चाल न साबन चाल, कोई दिन 15 दिन में ना आवे तो रोज ना आवे तो मैं 40 महीनों दे जाओ तो पीने से कर। इलाके में पानी की आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग टैंकर्स की मदद ले रहा है। हालांकि टैंकर्स से लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, नलकूप सूख चुके हैं, पानी की टंकियां नाकाम साबित हो रही हैं। के लोग भी बहुत शिकायत करते हैं और हम भी यहाँ प्रशासन को और आगे प्रस्ताव भेजे, अब बाकी आगे जब सरकार के एक्शन लेगी वो तो कर्मचारी आगे के ऊपर वाले जन जिसमें 3-4 हजार लगभग डीडीएसएस है इसमें। कुछ जगहों पर पेयजल योजना के जरिए पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी दूषित है। नलकूपों में फ्लोराइड युक्त पानी आता है, जिसे पीकर गांव के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हेमंत सुमन, जी मीडिया, कोटा। तो सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि बाड़मेर में भी पानी के लिए हाहाकार है। शहरी इलाकों में तो लोग पानी के टैंकर मंगवाकर काम चला लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों के हालत दबद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच अब पानी की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। खंडहर में तब्दील टंकियां, जंग खाती मशीनें और बंद पड़े वाटर पंप, ये तस्वीरें हैं सीमावर्ती जिले बाड़मेर की, जहां पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। परंपरागत जल स्रोत सूख गए हैं, बावड़ियां, तालाब और कुएं पानी के बिना उदास और वीरान हो गए हैं। बहुत तकलीफ, हमारे पाड़े में बिल्कुल पानी आता नहीं है, कोई 10 दिन आता है, कोई दिन लाइन खराब होती है, कोई दिन नहीं हो, जांच कोई है नहीं। गर्मी तो साहब आते, मैं क्या करूं, पानी वाला तो पानी कोई जाए न, कोई देखने वाला कोई है नहीं। पानी की तकलीफ ज्यादा, एक पे एक पाड़े में पानी आज 2 महीना हो गए, यहाँ से मटका भर भर के फिर वापस ले जाते हैं। इंसान तो कोसों दूर से पानी लाकर अपनी प्यास किसी तरह बुझा लेता है, लेकिन बेजुबान जानवर और परिंदों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। जलदाय विभाग बंद पड़े जल स्रोतों को चालू करने की कोशिश कर रहा है। सोर्स बंद पड़े हैं काफी 3-4 साल से, उनमें से अब 7-5-6 सोर्स अब चालू किए हैं। इस बार नया टेंडर हुआ, नई कमीशनिंग हुई है, तो नए सोर्स अब चालू करके वापस जो पुरानी पाइपलाइन बिछ हुई है वहाँ पे पूरी पानी की जो सप्लाई है सुचारू रूप से करने का प्रयास चल रहा है। बॉर्डर के जिले में पिछले कई सालों से औसत से कम बारिश हुई है, लिहाजा पानी की किल्लत बड़ी समस्या बन गई है। लोगों की मांग है कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। यही नहीं, टोंक में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। टोंक में भी जलदाय विभाग के अधिकारी लोगों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। लोगों की सहायता के लिए बने कंट्रोल रूम में तो जैसे बाढ़ आ गई है समस्याओं की। बीसलपुर बांध के रहते हुए भी टोंक प्यासा है। जिले के अधिकारियों की माने तो जिला सूखे की चपेट में है। सीएम के निर्देश पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि समस्याओं को चिन्हित कर समाधान हो। ये बन भी गए ब्लॉक से लेकर शहर तक में।
मगर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं। जिन्हें जानकारी है वो दर्जनों शिकायत कर चुके हैं। इनमें गांव में खराब हैंडपंप, सरकारी ट्यूबवेल में पानी नहीं, पानी की सप्लाई ठीक नहीं, पानी पाइपलाइन टूटी हुई है, पानी की चोरी हो रही है, जैसी तमाम शिकायतें हैं जो तकरीबन 1000 तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि शिकायतें हाथों हाथ निपटाई जा रही हैं। संबंधित अधिशासी अभियंताओं के अंडर में टीम गठित कर रखी है, आईएंस के मार्फत और जीएंस के मार्फत काम करती हैं। कहीं लीकेज है तो उसको दुरुस्त कराने का काम किया जा रहा है, कहीं पे टेलेंट पे कम पानी आ रहा है तो उसके लिए हमने सप्लाई आवर्स में 1 घंटे बिजली कटौती कर दी है, जिससे अवैध मोटर वगैरह चलती है वो बंद हो जाए। वहीं अपनी शिकायतों के मद्देनजर लोग गुस्से में हैं। शिकायत करते हैं तो एक कंट्रोल रूम बनाया है, सुनते हैं भाई कंट्रोल रूम है, वहाँ फोन करते हैं, पता नहीं अधिकारी उठाता है या कौन, बच्चे करते हैं, हम करते हैं, भाई हो जाएगा आपकी पानी की समस्या का समाधान, लेकिन आज तक हमें पता तो सही कि कंट्रोल रूम का है ना, जो नंबर क्या है, किस नंबर पे हम बात करें, किस नंबर पे हम वार्तालाप करें, किससे हम अपना दुख प्रकट करें। शिकायत करते हैं तो हमारा कोई फोन भी नहीं उठाते है, हमारी सुनाई भी नहीं करते हैं, तो पानी जरूरत अच्छा भेजो और पब्लिक परेशान हो रही है। तो भी प्रशासन ने कंट्रोल रूम की व्यवस्था करी है, बिल्कुल वो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि अगर कंट्रोल रूम वहाँ पर फोन किया जाता है कोई भी एक उचित रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता कि उससे कोई समस्या हल हो, और इसको प्रचार प्रसार के अभाव में ये बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि आम जनता तक ये कंट्रोल रूम बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहा है कि जनता कहाँ जाए। कुल मिलाकर लोगों की मदद का मामला अधिकारियों ने उलझा रखा है, जिसकी वजह से एक पहल ध्वस्त हो गई है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। और ब्रेक के बाद अब अगली खबर अजमेर से, जहां अंचल प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम राजे ने भी शिरकत की और एकल विद्यालय के जरिए गांव के बच्चों को दी जा रही शिक्षा की तारीफ की। वहीं इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने गाँव को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। अजमेर की धरती से शिक्षा का अलग जगाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत देश के कई दिग्गज और भामाशाह इकट्ठा हुए। अंचल प्रणाम के मंच पर बैठे लोगों की यही राय रही कि गांव के विकास का रास्ता शिक्षा की पगडंडी से होकर गुजरता है और एकल विद्यालय इसमें अहम किरदार निभा सकता है। 27 साल पहले शुरू हुए एकल विद्यालय अभियान की जड़ें अब मजबूत हो गई हैं और ये देश के तकरीबन 53,000 गांव तक पहुंच चुका है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि गांव के स्वावलंबन और पूर्ण स्वराज के लिए लोगों को शिक्षित करना होगा। 60,000 लोग पूरे देश में लगे हुए हैं इस काम में, आप लोग भी साथ देंगे तो ये कार्यक्रम और तेजी से बढ़ सकेगा, और जब देश के गांव अगर सक्षम हो गए तो इस देश को सक्षम बनाने में कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई देरी नहीं रह जाएगी, हमारे लोगों को कभी भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, यही एकल का सपना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एकल विद्यालय अभियान की जमकर तारीफ की और कहा कि इनकी पंचनीति गांव के विकास में बेहद कारगर साबित होगी। पंचनीति बनाई है, जो उसको जो आप लोगों ने जिस तरीके से जोड़ा है उसको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि आपने ये कोशिश की कि एकल अभियान पूरे देश के अंदर चले, एक जो अनाचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब जो चीजें हैं उनसे छुटकारा किस तरीके से मिले, वो खाली एजुकेशन अगर होता है तो ही हमको मिल सकता है। की अंचल प्रणाम कार्यक्रम की सफलता से गदगद एकल विद्यालय के प्रणेता श्याम गुप्ता ने कहा कि गांव के सर्वोन्मुखी विकास के लिए वहां के लोगों को शिक्षित करना होगा और एकल विद्यालय अपनी भूमिका अदा कर रहा है। अपने अंचल को हम स्वावलंबी बनाएंगे, अपने पसीने की राशि से अंचल का बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरे देश में अंचल प्रणाम कार्यक्रम में आज अजमेर का यह कार्यक्रम क्रमांक 1 का बन गया है, सबसे बढ़िया कार्यक्रम बन गया है। एकल विद्यालय अभियान को मजबूती देने के लिए
आयोजित अंचल प्रणाम कार्यक्रम के मौके पर कई भामाशाहों और दानदाताओं ने खुलकर दान दिया। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। वहीं अजमेर के माता सावित्री देवी मंदिर में माथा टेकने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। अब यहां रोपवे का उद्घाटन हो गया है। ये उद्घाटन आज खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। बता दें कि इस मंदिर में जाने के लिए तकरीबन 750 सीढ़ियों को पार करना होता था, लेकिन अब ये रास्ता बेहद सुगम हो गया है। मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आज एकादशी के दिन ब्रह्मा जी महाराज से सावित्री जी के साथ मिलकर के इसी तरह के इसी दान का यज्ञ किया था। हरेक आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। उसका राज की भवन पवित्र भूमि पर हम तहे दिल से पूरा आपका स्वागत करते हैं। और अब बात करेंगे प्रदेश के विमंडित गृह की, जिसकी हालात को लेकर आज हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत भाई गोयल की याचिका पर आज ये सुनवाई हुई थी, और इस दौरान अलग अलग विभागों को कोर्ट ने बकायदा नोटिस दिए हैं और इनसे ये पूछा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग को नोटिस जारी किया। वहीं इनके साथ ही कोर्ट ने राज्य बाल संरक्षण आयोग और विशेष योग्य जन आयोग को भी नोटिस भेजा है, उनसे जवाब तलब किया है। साथ ही इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ए के जैन ने बताया कि प्रदेश में करीब 41 पुनर्वास गृह संचालित हैं, जहां अव्यवस्थाओं का आलम है। बच्चों के लिए और जो गृह बने हुए हैं उसमें अनियमितताओं को लेकर, जिसका परिणाम यह हुआ था कि पिछले दिनों 12 बच्चों की डेथ हुई, और इससे पहले 2010 से लेकर 2013 के मध्य इसी सेठी कॉलोनी में स्थित राजकीय विमंडित गृह में 26 लोगों की डेथ हो चुकी है, और 2014 से लेकर 2016 के बीच में भी इसमें 23 से 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। जयपुर के जामडोले स्थित विमंडित गृह में हुए हादसे से हर कोई सकते में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसे कौन से स्थितियां थी, आखिर ऐसे कौन से हालात बने कि इतने बच्चों की जान चली गई। अगर नहीं समझ आता तो कोटा के हालात देख लीजिए, शायद कुछ समझ में आ जाए। जामडौली में विमंडित बच्चों की मौत पर भले ही सरकार अब छाती कूट रही हो, लेकिन व्यवस्थाएं एकाएक नहीं बिगड़ी बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत। यकीन न हो तो कोटा के इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल की एक एक तस्वीर देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खुराक जो यहाँ छात्रों को जबरन हजम करवाई जाती है। भ्रष्टाचार के कीड़े जहां अधिकारियों के दिमाग में रेंग रहे, तो वहीं हकीकत के कीड़े आटे में, दलिया में और चीनी में। पूरी तरह से इल्लियां पड़ी हुई हैं, आटा पूरी तरह से खराब हो चुका है। जब हम पहुंचे तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि इस तरह से तो इल्लियां जमा है ही, साथ में चूहे भी इस आटे के अंदर मटर गश्ती कर रहे थे। और देख सकते हैं ये आटा रखा हुआ है जिससे सभी बच्चों का खाना पकता है, साथ में ये नजारा जो बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ चूहे ही चूहे फैले हुए हैं। रुकिए, अब जरा इस पर केयर टेकर की सफाई भी सुन लीजिए। कीड़े कहाँ पड़े हैं सर? कीड़े की तो आप ऐसे ही बोल रहे हो सर, कीड़े तो उसमें नहीं सर, थोड़ी बहुत वो सुरज आटा बहुत पुराना हो गया सर, वो मतलब किराया भी आया था तो उन्होंने आटा रखे, एक डेढ़ महीना करीबन हो गया, अब थोड़ी बहुत तो आती है, एक दो मिली जाती है। सफाई तो आपने सुन ली, अब हॉस्टल की सफाई देख लीजिए। ऐसा इंतजाम है कि देखकर उपकाई आ जाए, फिर चाहे वो बाथरूम हो या टॉयलेट। बूंद बूंद पानी बचाने की बात सरकार खुद करती है, लेकिन किस तरह से पानी की बर्बादी यहाँ पर आपके सामने होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ टॉयलेट का हाल है, जो कि अपने आप में यहाँ की स्थिति को बता रहा है कि कितने बेकार हालात हैं। दरवाजे टूटे हुए आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पर गंदगी और कबाड़ पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। नलों से पानी बह रहा है लेकिन अधिकारियों की आंखों में नहीं, बहता तो शायद कमरों की दशा ये न होती। ये कार्यालय के हालात हैं, कुर्सियां टूटी हुई आपको मिलेंगी, जगह जगह कुछ इस तरह के हाल और हालात आपको देखने को मिलेंगे।
कुल मिलाकर हॉस्टल की दुर्दशा ये बताने के लिए काफी है कि नाम जरूर चस्पा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का, लेकिन न्याय, अधिकार और सामाजिकता गोल है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। जयपुर में जुबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए राज्यपाल कल्याण सिंह भी पहुंचे। राज्यपाल के साथ साथ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी इस समारोह का हिस्सा बने। कृषि मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 349 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और ऐसी उपाधियां दी गई। इस समारोह में 13 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि राज्य में कृषि विकास में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। जुलाई 1947 में जो अपने खेती करने सरकार के पास कैसे थे और जो बाहर हाथ से खटे जो हाथ हटे उनको वही कहते मिले। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना, आप एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनाना चाहते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती हम कर रहे हैं, रिसर्च की आवश्यकता है। ड्रम स्टिक के बारे में, मोरिंगों के बारे में रिसर्च की आवश्यकता है। राजस्थान उसका प्रोडक्शन के क्षेत्र में काफी बहुत अधिक है, लेकिन तमिलनाडु में भी प्रोडक्शन होता होगा, लेकिन मोरिंगो 300 प्रकार की बीमारियों के रामबाण औषधि के रूप में राजस्थान में होगा। इसी साल से उसकी भी हम लोग शुरुआत करेंगे, ये भी मैं जानकारी देना चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जेडीए की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है अपनी नाकामी के लिए। दरअसल इस बार जेडीए को उसी की जमीन से बेदखल कर दिया गया है और ऐसा किया है रुक्मणी बिरला हॉस्टल ने। दरअसल जो जमीन जेडीए ने निरस्त करके खुद को अलॉट करवा ली है, उस जमीन पर भी किसी और को घुसने नहीं दिया जा रहा। जेडीए के जोन 5 में आने वाले गोपालपुरा गांव के नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को स्कूल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 213 बीघा जमीन दी गई थी, जिसमें से 150 बीघा वापस ले ली गई। जेडीए ने बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन फिर वो इसमें एंट्री नहीं ले पा रहा। शहर के मध्य में जिस 150 बीघा जमीन पर जेडीए कब्जा लेने की बात कर रहा है, वो जमीन दरअसल ये है। लेकिन जेडीए ने कब्जा लिया है, इसकी सच्चाई ये है कि ये ऐसा कब्जा लिया गया है कि यहाँ किसी को अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। आज भी यहाँ जो काबिज हैं वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। जेडीए की इस जमीन की कीमत 2000 करोड़ के करीब है, जिसे बेचकर शहर की तरक्की में खर्च करने की कोशिश में था। दरअसल रुक्मणी बिरला ट्रस्ट को 213 बीघा जमीन दी गई, जिसके लिए महज 1 रुपये टोकन मनी ली गई। जमीन पर स्कूल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनना था। स्कूल बना, लेकिन हॉस्पिटल और कॉलेज नहीं बना। सरकार ने इसके लिए 2006, 2009 और 2012 तक मियाद भी बढ़ा दी, बावजूद इसके हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। नतीजा 150 बीघा जमीन वापस ले ली गई। आवंटन शर्त जो थी उसमें ये लिखा हुआ था कि बिना नोटिस दिए ही भूमि का कब्जा कर इसका वायलेशन होता तो लिया सकता है। इस आवंटन शर्त होने के बावजूद नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए लिखित में और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के अवसर देने के पश्चात ही इस आवंटन को निरस्त किया गया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और भाग में स्थित बहुत बड़ी जमीन है। इसका निश्चित रूप से शहर के विकास में हम लोग इसका काम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कहना कि इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी दिखाई भी ठीक नहीं है। जेडीए जहां इसे बेचने की तैयारी में है, तो वहीं बिरला ट्रस्ट कोर्ट जाने की अब सब कुछ इंसाफ पर है, यानी वही बताएगा कि कौन सही है कौन गलत। वरुण भंसाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को समेटे स्टेट एट 7 में फिलहाल इतना ही।